स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये इंडियन प्रीमियर लीग का 24वां मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस मैच के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 10 अप्रैल शाम 7:30 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी टेलीग्राम पर ही देने वाला हूं। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ का 161 का रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो विकेट मिलते हैं वो पेस और स्पिन दोनों को मिलते हैं। हालांकि इस सीरीज में जो यहाँ पे 3 मैचेस खेले गए हैं अगर आप लोग उनमें देखोगे तो यहाँ पे पेसर्स आगे रहे हैं, पर अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड इस वेन्यू का देखोगे तो स्पिनर भी यहाँ पे अच्छा करते हैं, तो आप लोग दोनों को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस वेन्यू के बारे में थोड़ा सा और जाने तो टोटल T20 डोमेस्टिक के यहाँ पे अभी तक 55 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 35 बार यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम जीती है। यानी कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी यहाँ पे पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि जो टीम यहाँ पे बाद में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो जो यहाँ पे टोटल 55 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 16 बार 150 के बिलो स्कोर रहा है, 19 बार 150 से 169 के बीच में गया है, 11 बार 170 से 189 के बीच में रहा और 9 बार यहाँ पे 190 के ऊपर भी स्कोर जा चुका है। यानी कि ओवरऑल ये बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है, कोई टीम यहाँ पे खुद खराब ना खेले तो काफी अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो जो लास्ट 3 T20 के मैचेस इसी सीरीज के यहाँ पे जो खेले गए हैं अगर आप लोग उनमें देखोगे तो यहाँ पे 18 विकेट पेसर्स को मिले हैं, वहीं 9 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं। तो अगर आप लोग रिसेंट में देखोगे तो यहाँ पे पेसर्स ने ज्यादा अच्छा किया हुआ है, आप लोग ये चीज यहाँ पे देख के चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो इसी सीरीज के यहाँ पे जो 3 मैचेस खेले गए हैं उन तीनों मैचेस का आप लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आए। तो दोस्तों इस सीरीज में जो यहाँ पे अभी तक 3 मैचेस हुए हैं अगर आप लोग 3 के तीनों मैचेस देखोगे तो 3 के तीनों मैच हाई स्कोरिंग रहे, यानी कि काफी अच्छा स्कोर बना है। और 3 में से 2 मैच यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है और 1 मैच यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम ने विन किया है, तो आप ये चीज भी यहाँ पे देख के चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीरीज में टोटल अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 के चारों मैच ये टीम जीत के आ रही है, यानी कि काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में यहाँ पे जानते हैं, तो आप लोग यहाँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें जॉस बटलर की, अपने टीम के मैन बल्लेबाज हैं, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, आप सबको पता है किस तरह के खिलाड़ी हैं, ओवरऑल 35 का एवरेज रखते हैं। इस सीरीज में देखोगे शुरू के जो 3 मैचेस रहे उसमें उतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा, पर लास्ट में सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, तो ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे क्योंकि फॉर्म में आ चुके हैं, लास्ट में सेंचुरी लगाई है तो काफी इनको बूस्ट मिला होगा। यशस्वी जायसवाल हैं, लेफ्टी बैटिंग करते हैं, अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं पर जिस दिन आएंगे काफी लंबा मारने वाले हैं, तो ये प्लेयर भी आपके इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन है, कैप्टन एंड विकेट कीपर बल्लेबाज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे काफी अच्छा रहा है, 2 मैचेस में काफी तगड़ा स्कोर किया, 2 में फ्लॉप रहे हैं, तो ये प्लेयर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफी क्रिकेट खेला हुआ है, ये राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रियान पराग की, राइटी बैटिंग करते हैं, लेग ब्रेक पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी कराते हैं, लास्ट में 1 ओवर की बॉलिंग भी करा गए थे, उससे पहले बॉलिंग नहीं कराई पर बैटिंग से इनका भी फॉर्म काफी अच्छा रहा है। ध्रुव जुरेल है, 20 का एवरेज है, इनको आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक हिटिंग कर जाते हैं तो इनको आप लोग जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे
रहेंगे नहीं। सिमरॉन हेटमायर हैं, लेफ्टी बैटिंग करते हैं, इनका भी फॉर्म देखोगे कुछ खास इस सीरीज में नहीं रहा है, पर प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा कभी भी स्कोर कर सकते हैं, तो इनको भी आप लोग जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। रविचंद्रन अश्विन लगभग 3 से 4 ओवर की आपको यहाँ पे बॉलिंग देते हैं और बैटिंग आ गई तो बैटिंग से भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं, तो इनको भी आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो जब राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करे। शुभम दुबे हैं, इनको आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना, ये भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ओवरऑल T20 में रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, 37 का इनका एवरेज है। इस सीरीज में 2 मैचेस रहे, बैटिंग करने काफी नीचे आए हैं, इस वजह से कुछ खास नहीं कर पाए, लास्ट में तो बैटिंग भी नहीं मिली, एक मैच में मिली है जिसमें 8 बनाए, उससे पहले का फॉर्म देखोगे तो लगभग उतना अच्छा नहीं है, मिला जुला है, पर फिर भी ओवरऑल रिकॉर्ड काफी अच्छा रखते हैं, जीएल में जरूर ट्राई करना। ट्रेंट बोल्ट अपने टीम के मैन बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में आते हैं, रिसेंट फॉर्म भी देखोगे तो लगभग ठीक ठाक रहा है। आवेश खान है, 97 मैच में 115 विकेट है, अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, पर इस सीरीज में उतने अच्छे टच में अभी तक नहीं लगे हैं। बाकी यहाँ पे नांद्रे बरकर हैं, 60 मैचेस में 71 विकेट है, इनका फॉर्म भी अच्छा और प्लेयर भी आपके फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। यजुवेंद्र चहल, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा, लगातार 2-2, 3-3 विकेट लेके जा रहे हैं और ये भी आपके इस वेन्यू पे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओवरऑल देखना चाहो 290 मैच में 336 विकेट अभी तक T20 में निकाल चुके हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों जो बेंच पर बैठने वाले हैं उन सबका भी आप लोग यहाँ पे इसी तरह स्टार्ट देख के चल सकते हो, आप लोग चाहो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इनमें से कोई भी खेलता है उसका स्टार्ट आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। अब हम लोग यहाँ पे इनके स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर्स के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बरकर, आवेश खान ये आपको स्टार्टिंग में देखेंगे, और डेथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, नांद्रे बरकर और इनके साथ में यजुवेंद्र चहल भी आपको डेथ में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं गुजरात टाइटन्स की टीम के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग गुजरात टाइटन्स की टीम की बात करें तो गुजरात टाइटन्स की टीम ने इस सीरीज में अभी तक 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं 3 हारे हैं, तो ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब हम लोग यहाँ पे गुजरात टाइटन्स की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करें शुभमन गिल की, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, 36 का इनका एवरेज है, अच्छे बल्लेबाज है और रिसेंट देखोगे तो रिसेंट भी अच्छा है, तो ये आपके मस्ट पिक रहने वाले हैं, टीम में लेके चलना ही चलना है। साई सुदर्शन है, 38 का एवरेज रखते हैं, लास्ट में ओपनिंग करने आए तो मेरे हिसाब से फिर से ये ओपनिंग पर दिखेंगे, फॉर्म भी काफी अच्छा है। केन विलियमसन है, राइटी बैटिंग करते हैं, ये भी दोस्तों बड़े बल्लेबाज हैं, जिस दिन चलेंगे काफी अच्छा करके आपको देने वाले हैं। इस सीरीज में हालांकि उतना अच्छा अभी तक नहीं कर पाए पर कर सकते हैं, प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग लेके जा सकते हो। BR सारत है, अपने टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग भी यही कर रहे हैं, इनका आप यहाँ पे देखोगे 16 का एवरेज रखते हैं। रिद्धिमान साहा नहीं खेले थे, लास्ट में इनको खिलाया गया था जिसमें 2 रन ये बना पाए, उससे पहले फॉर्म देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, तो इनको आप लोग जीएल में ही ट्राई करना, इस स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अगर इनकी जगह रिद्धिमान शाह खेल जाते हैं तो इनको उनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। विजय शंकर है, राइटी बैटिंग करते हैं, राइट मीडियम बॉलिंग डालते हैं, जीएल के आपके ये भी पिक रहने वाले हैं, इनको भी आप लोग जीएल में ही ट्राई करना। दर्शन नालकंडे हैं, 42 मैच में 65 विकेट है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं, इसी वजह से लास्ट मैच में इनको बैटिंग करने भी ऊपर भेजा गया था, 3 राउंड पे ये बैटिंग करने आए थे, तो इनको आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं पर यहाँ पे आप देखोगे इनके ओवर कट रहे हैं, इस वजह से स्मॉल लीग में लेना इनको रिस्की है, जीएल में ट्राई कर सकते हो। राहुल तेवड़िया अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, जीएल के ये भी आपके पिक है, जीएल में ही ट्राई करना क्योंकि बॉलिंग मिल नहीं रही है, बैटिंग भी नीचे आती है। राशिद खान है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 4-4 ओवर आपको हर मैच में देते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कराने आ जाते हैं और बैटिंग आ गई तो बैटिंग से भी अच्छी हिटिंग करते हैं, तो ये तो मस्ट पिक है। बाकी यहाँ पे उमेश यादव है, इनका देखोगे तो इनका भी फॉर्म लगभग ठीक ठाक रहा है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे ट्राई करना चाहो, स्मॉल लीग में भी कर सकते हो पर मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में शायद उतने अच्छे ना रहे, बाकी आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए कोई खराब ऑप्शन नहीं है। स्पेंसर जॉनसन है, 32 मैचेस में 39 विकेट है, काफी अच्छे फास्ट बॉलर है, बाकी रिसेंट देखोगे तो 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट इस तरह का फॉर्म रहा है। नूर अहमद है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है, ये दोस्तों आपके ट्रंप पिक बन सकते हैं, सिलेक्शन आपको इनका कम देखने को मिलेगा पर ये काम आ सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे स्पिनर है। मोहित शर्मा फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में आते हैं, विकेट टेकर है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो फॉर्म भी लगभग अच्छा रहा है, तो अगर गुजरात टाइटंस की टीम पहले बॉलिंग करे तब मोहित शर्मा भी आपके मस्ट पिक हो जाते हैं क्योंकि डेथ में आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो बेंच पर बैठने वाले हैं उन सबके आप लोग यहाँ पे स्टार्ट देख के चल सकते हो, बाकी इनमें से कोई भी खेलेगा उसका स्टार्ट आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर
मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इनके स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर्स के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग में उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, ये आपको स्टार्टिंग में देखेंगे। डेथ ओवर्स में आपको यहाँ पे मोहित शर्मा, राशिद खान और इनके साथ में स्पेंसर जॉनसन, ये लोग डेथ में दिखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोनों टीम्स ने हेड टू हेड में टोटल यहाँ पे 5 मैचेस अभी तक खेले हैं, जिसमें से 5 में से 4 मैच गुजरात की टीम ने जीता, 1 मैच यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता। यानी कि हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो गुजरात टाइटंस की टीम काफी आगे रही है, तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं टॉप पिक्स बाई हेड टू हेड, यानी कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिन्होंने हेड टू हेड में अच्छा किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे जॉस बटलर, 5 मैचेस खेले हैं, 190 रन है, 38 एवरेज है, लगभग काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। डेविड मिलर 5 मैचेस में 177 रन है, 177 का एवरेज है, यानी कि मोस्टली बार ये नॉट आउट रहे हैं, तो अगर मिलर खेलते हैं तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे शुभमन गिल हैं, 5 मैचेस खेले हैं, 174 इनके रन हैं, 43 का एवरेज है, काफी अच्छा है। संजू सैमसन 5 मैचेस में 162 रन हैं, 32 का एवरेज है। इनके अलावा देखोगे अभिनव मनोहर का भी यहाँ पे लगभग ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 70 रन हैं, 35 का एवरेज है। इनके अलावा बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो सिर्फ राशिद खान है जिनका थोड़ा सा ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है, बाकी किसी का और कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। राशिद खान के यहाँ पे 5 मैच में 6 विकेट है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं इस वेन्यू पे कौन कौन अच्छा करता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो संजू सैमसन काफी मैचेस खेले हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये राजस्थान रॉयल्स की टीम का होम ग्राउंड है। इनका देखोगे 30 मैचेस खेले हैं, 815 रन है, 34 का एवरेज है। जॉस बटलर का काफी अच्छा है, यहाँ पे 18 मैच में 726 रन है, 48 का एवरेज है। तो जॉस बटलर मेरे हिसाब से आपके इस मैच में बेस्ट कैप्टनसी के पिक रहने वाले हैं। रियान पराग का देखोगे 9 मैचेस में 213 रन है, 35 का एवरेज है। शुभमन गिल 5 मैचेस 106 रन, 53 का एवरेज। इनके अलावा यहाँ पे केन विलियमसन है, 2 मैचेस खेले हैं जिसमें 76 रन है, 38 का एवरेज है। युजवेंद्र चहल 14 मैचेस में 19 विकेट हैं। इनके अलावा तनुष कोटियान के यहाँ पे 4 मैचेस में 6 विकेट हैं, अभी तक नहीं खेले हैं, खेलते हैं, जीएल में ट्राई कर सकते हो। नूर अहमद का भी यहाँ पे 1 मैच में 2 विकेट है। नूर अहमद भी आपके यहाँ पे सेकेंड बॉलिंग अगर इनकी टीम करती है, यानी कि बाद में बॉलिंग करती है, तो इनको भी आप लोग ट्रंप पिक के तौर पर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे इस मैच के बारे में सब कुछ जान लिया, हर एक प्लेयर के बारे में जान लिया। अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस मैच की आप लोगों के लिए बनाई हुई है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे संजू सैमसन को लिया है, इनके अलावा जॉस बटलर को लिया है, दोनों में मस्ट पिक है, मैं यहाँ पे दोनों को लेके चलने वाला हूँ। रिद्धमान साहा खेल जाते हैं, ट्राई कर सकते हो, अगर खेलेंगे ओपनिंग करेंगे प्लस विकेट कीपिंग भी फिर अपने टीम से यही करेंगे। सारथ थोड़े से एवरेज ऑप्शन है, जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी वेड और के सिंह राठौर नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पे मैंने शुभमन गिल को लिया है, इनके अलावा साई सुदर्शन को लिया है, जयसवाल को लिया है जिनका बल्ला अभी तक नहीं बोला है, बट बोल सकता है, अच्छे खिलाड़ी, तो इस वजह से मैंने इनको भी पिक किया है। और इनके अलावा आप देखोगे मैंने आप इस मैच में केन विलियमसन को भी पिक किया है। आप लोग चाहो विलियमसन की जगह किसी अदर प्लेयर के साथ भी जा सकते हो, पर मैंने ट्रंप पिक के तौर पर इनको भी यहाँ पे ट्राई किया है। हेटमायर को फर्स्ट बैटिंग में जीएल में जरूर ट्राई करना, अच्छे हिटर है, अगर चल गए तो आपके जीएल में अच्छे खासे पॉइंट दे जाएंगे, तो जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। मिलर खेलते हैं, इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी कर सकते हो, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। विजय शंकर आपके जीएल के पिक है। जुरेल को भी आप लोग एक बार जीएल में रोटेट कर सकते हो अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करे। दुबे भी दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, पर इनको भी जीएल में ट्राई कर लेना, कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, T20 में अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, 37 का एवरेज है, बाकी नीचे यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे इन चारों को पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे यहाँ पे मैंने फिलहाल ओनली आर अश्विन को यहाँ से पिक किया है। अब आप लोग सेफ जाना चाहो तो आर इस अश्विन की जगह यहाँ पे पराग के साथ जा सकते हो। अब अगर आर आर की टीम पहले बैटिंग करती है तब मैं आर अश्विन को लेके जाऊंगा, अगर बाद में बैटिंग करती है तो फिर हो सकता है मैं आर अश्विन की जगह पराग के साथ चला जाऊं। तो जो भी होगा टॉस के बाद आपको बता दूंगा। तेवटिया को आप लोग जीएल में ट्राई कर लेना, बाकी यहाँ पे अभी कोई नहीं खेल रहा है, तो फिलहाल मैंने आर अश्विन को यहाँ से पिक किया है। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पे मैंने यजविंदर चहल को लिया है, ट्रेंट बोल्ट को लिया है, राशिद खान को लिया है, और इनके अलावा मैंने यहाँ पे नूर अहमद को भी ट्रंप पिक के तौर पे ट्राई किया है। अब अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग नूर की जगह नांद्रे बर्गर को लेकर जा सकते हो, जो कि डेथ में बॉलिंग कराते हैं और अच्छे बॉलर हैं, डेथ में विकेट मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं।
तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। अगर गुजरात की टीम पहले बॉलिंग करे तो फिर आप लोग मोहित शर्मा को भी लेके जा सकते हो, मैं भी लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये भी डेथ के बॉलर है। फिलहाल मैंने नूर अहमद को लिया है, उमेश भी आपके एक अच्छे पिक है, आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। नालकंडे के ओवर कट जाते हैं, इनको जीएल में ट्राई कर लेना। एस जॉनसन ये प्लेयर भी दोस्तों ट्रंप पिक बन सकते हैं, अगर जीटी की टीम पहले बॉलिंग करती है मैं इनको भी लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये भी डेथ के बॉलर है, अच्छे बॉलर है। आवेश खान अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया, कर सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बॉलिंग करे जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। बाकी यहाँ पे नीचे अभी कोई नहीं खेल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी जॉस बटलर को दिया, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे सुमन गिल को किया, आप इनको रिवर्स कर सकते हो। इनके अलावा जो आपके पास अदर ऑप्शन यहाँ पे सीवीसी के रहेंगे वो यहाँ पे संजू सैमसन रहेंगे, इनके अलावा राशिद खान रहेंगे। तो ये चार बेस्ट ऑप्शन इस मैच में सीवीसी के रहने वाले हैं, आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल मेरी ये टीम है, अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा फिर टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो का, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।